लेकिन ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर जो आईपीएल छोड़ के तो जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट तो आईपीएल छोड़ के भी गया, उसने प्रधानमंत्री केयर फंड में पैसे भी दिए, लेकिन हमारे देश के कुछ लोग, हमारे देश के खिलाड़ी कह रहे कि वे लोग मान नहीं रहे बात को। तो सबसे पहले तो बीसीसीआई को ये चीज़ देखनी चाहिए और बीसीसीआई इसके बाद में सरकार से बात करके इसका समाधान निकालना चाहिए। खिलाड़ियों को तो खेलने का पैसा मिल रहा, अब तुम्हें भी काम करने का पैसा मिलेगा तो सब लोग करेंगे। तो ऐसा है कि सरकार को बीसीसीआई से बात करना चाहिए, बीसीसीआई सरकार के अधीन आती है, तो इसमें सारा दोष किसी खिलाड़ी को ना जाके इस देश की सरकार का है, जो एक तरफ इस देश में लोग मर रहे हैं और एक तरफ देश में मजाक बनाया जा रहा है कि वे लोग आईपीएल करवा रहे हैं, इस देश में खेल करवा रहे हैं, ये संवेदनहीनता है। देश में महामारी है, इसको लेकर पाकिस्तान के क्रिकेटर शोएब अख्तर दुख जताते हैं, लेकिन इस देश के क्रिकेटर कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखो, इस देश में फिलहाल तानाशाही चल रही है, उनके वहाँ तानाशाही खत्म हो के वहाँ लोकतंत्र आया है, और हमारे देश में लोकतंत्र खत्म होकर हमारे देश में तानाशाही आई है। इस देश में फिलहाल भी इस देश की सरकारों के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ जो लोग बोलने का काम कर रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा, वही लोग, उनकी आवाज़ को दबाया गया और वही लोग पर फर्जी मुकदमे लगाकर उन्हें जेल में डाला गया। चाहे आप उस पत्रकार की बात कर लो मनदीप पूनिया की, चाहे आप रवि दिशा की बात कर लो, चाहे आप तमाम जितने सोशल एक्टिविस्ट हैं सबकी बात कर लो, उन पर फर्जी मुकदमे लगाकर उन्हें जेल भेजा जाता है। तो इस देश के क्रिकेटरों को, बेचारों को, उन्हें भी डर है कि अगर उन्होंने एक भी ट्वीट, एक भी आवाज़ इस देश की सत्ता के खिलाफ अगर उठाने का काम किया, तो कहीं ना कहीं इन पर भी कहीं कोई फर्जी मुकदमा लगाकर, मैच फिक्सिंग का मुकदमा लगाकर, या डोपिंग का केस लाकर, कहीं ना कहीं उन्हें फंसाकर फर्जी मुकदमे में जेल ना भेज दिया जाए। तो इस देश में लोकतंत्र खत्म है, बड़ी बड़ी आवाज़ें बोलने से घबरा रही हैं, और जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उन्हें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, देशद्रोही, आप लोग देख ही रहे क्या क्या संकेत दी जा रही है। अमेरिका ने दवा वैक्सीन देने से इनकार कर दिया, इसको कैसे देखते हैं? ये तो मोदी जी से पूछना चाहिए कि मोदी जी के दोस्त हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि हमारे रिश्ते इतने अच्छे हुए हैं जब से मोदी जी आए हैं, उनके भक्त कहते हैं कि विदेशों में हमारी डंका बज रहा है। मोदी जी से पूछो कि जब वे अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दे रहे थे, वे जब विदेशों में जाकर वहां पर प्रचार कर रहे थे, प्रचार मंत्री के रूप में काम कर रहे थे, ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए कि उनकी विदेश नीति कैसी है। उनके मित्रों ने अगर उन्हें वैक्सीन देने से, उन्हें दवाएं देने से मना कर दिया है, तो ये हमारे देश के लिए विफलता है, हमारे देश की विदेश नीति के लिए विफलता है, हमारे देश की सरकारों के लिए विफलता है। कि लोगों को समझना चाहिए कि एक प्रधानमंत्री का पूरे दूसरे देश में जाकर चुनाव में भागीदारी लेने का परिणाम कैसे होते हैं। उन्होंने जाकर नारा दिया अब की बार ट्रंप सरकार बन गई दूसरे की, तो वे जो उनकी विडंबनाएं हैं आपसी मतभेद उनमें हुए, वे कहीं ना कहीं अब हमारे देश की जनता को भुगतने पड़ेंगे। जो विदेश नीति इनकी है वो विफल नजर आएगी। अनुपम खेर ने कहा है कि फिर से आएगा तो मोदी भाई साहब। अनुपम खेर और जो ये बॉलीवुड वाले लोग हैं, इनकी तो मती मारी गई है, कुछ भी बोलते हैं, उन्हें इस देश की जनता में रोजाना मरते हुए सब नजर नहीं आ रहे। आप लोग शमशान घाट, कब्रिस्तान जाकर देखिए, पहले अस्पतालों में टोकन मिलते थे, आज सब कब्रिस्तान में और शमशान में टोकन मिल रहे हैं, लाइन से लाशें खड़ी हैं, लाइन से लोग खड़े हैं अपने अपने शवों को जलवाने के लिए, और उसमें भी कालाबाजारी इस प्रकार की चल रही है कि एक एम्बुलेंस एक अस्पताल से कब्रिस्तान और शमशान तक जाने की दूरी के लिए 20,000 रुपये तक वसूल रहे हैं, और वहाँ पर कुछ दलाल ऐसे भी खड़े हैं जो लोग शवों को कंधा देने के लिए 2,000 रुपये वसूल रहे हैं, कुछ पंडित ऐसे लोग खड़े हैं जो उन शवों का अंतिम संस्कार कराने के लिए 10-10, 20-20 हज़ार रुपये वसूल रहे हैं, कुछ लोग ऐसे खड़े हैं जो उन शवों को कंधा देने के लिए 5-5 हज़ार रुपये वसूल रहे हैं। तो इस देश में उन अनुपम खेर जैसे दरिंदों को, दलालों को और सत्ता के चाबलूस चाटुकारितों को, क्या उन देश में उनकी संवेदनहीनता इतनी मर चुकी है कि उन्हें उन लोगों की लाश, उन लोगों की मौत दिखाई नहीं दे रही है? क्या यही आपदा में अवसर है? क्या आपदा में अवसर जब प्रधानमंत्री कहते हैं, आपदा में अवसर तो ये हमेशा से तलाशते आ रहे हैं, अब की बार भी आपदा में अवसर तलाश रहे हैं, आपदा में अवसर लेकिन तलाशो दूसरी तरीके से, लेकिन लाशों पर अगर तलाशोगे, ये तो एक वही बात हो गई कि एक जगह आप लोगों ने देखा होगा कि एक बच्ची का फोटो था, ऊपर के दिन मंडरा रहा था, उसको मरने का इंतजार कर रहा था। ये वो वाली बात है कि यहाँ पर ये लोग एक इंसान को मरने का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो मरे, और कभी आपदा में अवसर बनकर उसे नोचें। मरे हुए के साथ भी, सब के साथ भी छेड़छाड़ कर रहे हैं, सबों के साथ छेड़छाड़ करने का मतलब है कि वो मर गया, उसे मुखाग्नि दी जानी चाहिए, उसे धरती में दफनाना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी उसके शव पर नोचने के लिए आज के समय में अगर 1,00,000 रुपये तक का खर्च आ रहा है, तो ये भी आपदा में अवसर क्या संवेदनहीनता की, लोगों की इंसानियत, मैं कहना चाहूँगा कि इंसानियत ही मर चुकी है इस देश में, और इस देश की सरकारों को अब भी अगर चुनाव की खबर है और चुनाव पर उनका नज़र है, तो इस देश में मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में ऐसी सरकारें ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है, हम बिना सरकारों के जी लेंगे, लेकिन इस प्रकार अगर इंसानियत खतरे में आ गई तो इस देश में जीना दूंगा। आपको नहीं लगता कि वोट डालने के समय पर लोग सब भूल जाते हैं? पिछली बार भी नोटबंदी के समय कुछ खबरें आ रही थी, लोग लाइन में मर रहे थे भाई साहब, कुछ लोग तो अब भी भूले हुए हैं,
कुछ लोग तो अब भी कह रहे हैं कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अरे मोदी जी ने कौन सा इन लोगों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था करवा दी? मोदी जी कौन सा आकर इन लोगों की जिंदगी बचा रहे हैं? ये लोग तो ऐसे हैं कि ये पहले भी धर्म के आधार पर अंधे थे, सदियों से आते आ रहे हैं, और धर्म और जाति के आधार पर इस देश को बांटने वाले लोग सदियों सदियों तक इस प्रकार यूं ही अंधे होते रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अब की बार जागरूकता इस देश में आई है जो धर्म और जाति के आधार पर बटने से इस देश के लोगों को बचाएगी, और वोट के आधार पर जब धर्म हिंदू जाति मुसलमान ये लोग सभी इस प्रकार के प्रोपेगेंडा लेकर आएंगे तो इस देश के लोग इनके कुर्ते पकड़कर पूछेंगे, क्योंकि वे लोग अवश्य पूछेंगे जिनके लोग कहीं ना कहीं इस महामारी में मरने का काम हुआ है, हॉस्पिटलों में मरे हैं, बेमौत मरे हैं, और मरने के बावजूद भी अगर उनके शव को नोचा गया है तो उनके लोग इनके कुर्तों को फाड़ने का काम करेंगे और पूछने का काम करेंगे कि जब हमारे लोग बेमौत मौत मारे जा रहे थे तब आप लोग कहाँ पर थे? तब आपने हमारी रक्षा क्यों नहीं की? आपके हॉस्पिटल्स में जगह क्यों नहीं थी? अगर हमने मंदिर और मस्जिद के आधार पर वोट डालने की बजाय अगर हमने यूनिवर्सिटीज और हॉस्पिटल्स के आधार पर वोट डाले होते, अगर हमारे देश में इस एम्स के ना होते हुए अगर प्रत्येक प्रदेशों में एम्स होते, अगर प्रत्येक जिलों में अच्छी हॉस्पिटल सुविधा होती, तो आज ऐसे हालात हमारे देश में ना होते। लेकिन हमारे लोगों को चाहिए मंदिर और मस्जिद। लेकिन अब लोगों की समझ में आ रहा है कि मंदिर और मस्जिद में जाने से जाने नहीं बचती, भगवान के बाद दूसरा भगवान अगर किसी को बताया गया है तो डॉक्टर को बताया गया है। इसलिए अब की बार अगर कोई लोग वोट डालने का काम करेगा तो यूनिवर्सिटीज और हॉस्पिटल के नाम पर, शिक्षा और चिकित्सा के नाम पर वोट डालने का काम करेगा। अब की बार उन लोगों को याद आएगा जो वोट डालने से पहले जब वो ईवीएम पर अपना अंगूठा लेकर जाएगा तो उनके खोए हुए माँ बाप दादा चाचा चाची ताऊ जो भी अपने जो परिजन खोए हैं उन्हें उन लोगों के चेहरे याद आ जाएंगे, उसके बाद वोट डालने।